तो भारतीय टीम की लगातार हार का पूरा विश्लेषण हम कर रहे हैं। स्टूडियो में सबा करीम इस समय हमारे साथ हैं और साथ ही राजकुमार शर्मा, रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सबा भाई, जो हार की बड़ी वजह हम दिखा रहे हैं, एक तो श्रीलंका ने जिस तरह से रोमांचक मुकाबला जीता वो हम आंकड़े यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिस तरह से श्रीलंका के ओपनर्स ने स्टार्ट किया, फियरलेस क्रिकेट खेली, काउंटर अटैक किया, जिसकी वजह से भारतीय तेज गेंदबाज या भारतीय स्पिनर्स जो भी आए पहले 6 ओवर में उनकी जमकर क्लास लगाई गई। अब इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन सभा भाई मैं चाह रहा हूँ कि चर्चा की शुरुआत हम इस बात से को लेकर भी करें कि एक ऐसी पिच जहाँ पे 173 रन एक सम्मानजनक स्कोर है, जहाँ पे बॉल रुक रहा है, जहाँ पे आप मैच में लड़ सकते थे, कमी आप कहाँ देख रहे हैं, क्यों हम ऐसे पहले 6 ओवर में ही मैच हार जा रहे हैं, क्या रीजन आप देख रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ रिजवान आके रन बना जाते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो दोनों ओपनर्स ने ऐसी बैटिंग करी, रिकॉर्ड ही बना दिया उन्होंने भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप का। जो परेशानी कुछ महीने पहले या फिर पिछले विश्व कप में हम लोगों को देखने को मिली थी वो यही थी कि पावर प्ले में हमें विकेट्स नहीं मिल रहा था। नई बॉल से विकेट लेने वाला आपको गेंदबाज चाहिए, जो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार जब भी ऑफ कलर हो जाते हैं, दूसरे छोर से आपके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो नई बॉल से जो नई बॉल से आपको विकेट ले पाए, चाहे वो हर्षदीप हो गए या फिर आवेश खान क्यों ना हो गए। इसीलिए बार बार चर्चा हो रही है, राजकुमार ने कई बार ये बात कही है कि अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको मोहम्मद शमी को ट्राई करना होगा क्योंकि वो न्यू बॉल बॉलर है, या फिर दीपक चाहर को आपको खिलाना होगा क्योंकि वो भी नई बॉल से विकेट ले सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये भी है राजीव, कि मेरे हिसाब से 174 इस विकेट पर उतना सम्मानजनक स्कोर था नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि ओस थोड़ी बहुत पड़ रही थी, जिससे हो सकता है कि गेंद गीला ना हो रहा हो, पर विकेट में थोड़ी बहुत उस प्रकार की गति मिल गई जिससे आसानी हो रही थी सख्त गेंद के सामने, नई बॉल के सामने, दोनों ही बल्लेबाजों को, दोनों ही ओपनर्स को श्रीलंका के ढेर तेज गति से रन बनाने के लिए, निशानका और कुशल मेंडिस दोनों ने शानदार उन्होंने पार्टनरशिप निभाई, जिसके वजह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि जब इस प्रकार के अप्रोच के साथ अगर आप बैटिंग करेंगे, चाहे आप टारगेट सेट कर रहे हो या फिर आप टारगेट चेस कर रहे हो, तभी आपको सफलता मिलेगी। और जो अप्रोच आज श्रीलंका के ओपनर्स ने दिखाया और फिर जो विकेट गिरा उसके बाद भी जो राजपक्सा ने जो अप्रोच दिखाया, आते ही पहले ही ओवर में उन्होंने एक तो युजी चहल को छक्का लगाया, उसके बाद अश्विन के विरुद्ध भी उन्होंने छक्का लगाया, तो उस प्रकार से अगर आप काउंटर अटैक करेंगे तभी आप दबाव को अपने सर से निकाल देंगे, जो कि श्रीलंका ने आज इस मैच में किया बल्लेबाजों के द्वारा। बिल्कुल, और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभा भाई ने उठाए हैं राजकुमार सर, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पाकिस्तान और श्रीलंका की जो हार हुई है उसमें सिमिलरिटी है कि हार्दिक पांड्या ना तो कंट्रीब्यूट कर पाए, ना ऋषभ पंत, ना दीपक हुड्डा, सेम वही जो पैटर्न है हमें नजर आया श्रीलंका के खिलाफ, यानी कि पहले मैच में विराट चलते हैं तो आपके बाकी बल्लेबाज आपको सहयोग नहीं करते, दूसरे मैच में रोहित शर्मा चलते हैं तो फिर वही हालत है। कैसे आप देख रहे हैं ये ऋषभ पंत को खासतौर से बात कर लें, चलिए हार्दिक पांड्या तो ठीक ठाक तब भी गेंदबाजी एक ऑप्शन है, लेकिन दीपक हुड्डा को टीम में खिलाया जाना, उनसे गेंदबाजी ना कराया जाना, इससे बेहतर था तो दिनेश कार्तिक को आप खिलाते जो नंबर 7 पे आइडियली खेल रहे हैं और जिनके बारे में आप कह रहे थे कि मैच में निशर है, ये अचानक सब कुछ बदल कैसे जाता है भारतीय क्रिकेट में? राजीव, ये वाकई में चिंता का एक विषय है, और क्या स्ट्रेटेजी रही, कहीं ना कहीं आप एक टीम मीटिंग में कुछ प्लान नहीं करते हैं और वहां जाके ग्राउंड में जाके आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, वहां अपनी प्लानिंग चेंज कर देते हैं या प्लान बी पर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है मिस कम्युनिकेशन है या टीम मैनेजमेंट या कप्तान के बीच में, क्योंकि जब आप प्लान कर रहे हैं कि आप दीपक हुड्डा को खिला रहे हैं तो दैट मींस कि वो आपके छठे बॉलर हैं, आपने दोनों मैच में उनसे गेंदबाजी नहीं कराई, तो अगर आप कप्तान को अगर उनके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप एक एक्स्ट्रा मैच जिसे फिनिशर का जॉब दिया हुआ है हमने, आप दिनेश कार्तिक को खिला सकते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं काफी सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं इस स्ट्रेटेजी में कि कहां पर गलती हो रही है, क्या वो सोच में गलती है या हम कहां लैग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दीपक हुड्डा को गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं और आप उसको मैच फिनिशर की तरह देख रहे हैं तो फिर आपने दिनेश कार्तिक को टीम में क्यों रखा हुआ है, और दिनेश कार्तिक को अगर आप इस सिचुएशन में भी नहीं खिला रहे हैं तो कब खिलाएंगे, अगर आपको ट्रस्ट है ऋषभ पंत के ऊपर तो आपने दिनेश कार्तिक को 15 में क्यों रखा हुआ है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि जिनका आंसर्स अब नहीं है क्योंकि हम मैच हार गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस अब उठेंगे। मैंने पहले भी कहा था, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब टीम जीतती है तो ये सब सवाल नहीं उठते हैं, लेकिन
वंस यू लूज तो ये सारे क्वेश्चन उठते हैं कि हम क्यों हारे, और वही अब सवाल उठ रहे हैं इस मैच के हारने के बाद। बिल्कुल, और रितेंद्र एक आंकड़ा हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और मुझे लग रहा है आपको भी देखना बहुत जरूरी है कि T20 फॉर्मेट में जो अलग अलग फेजेस होते हैं वहां पे हम मैच में पिछड़ कहां गए श्रीलंका से, ये आंकड़ा आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन, जो हम बात कर रहे हैं लगातार एक पैटर्न जो नजर आ रहा है, चलिए आगे वो आंकड़े स्क्रीन पर वो आप देख लें। श्रीलंका ने पहले 6 ओवर में 57 बनाए, हमने 44 रन बनाए थे, 2 विकेट खो दिए थे। 7 से 12 ओवर में श्रीलंका ने 41 बनाए, वहाँ पर हमने थोड़ा रिकवर किया था रोहित शर्मा की वजह से, 65 रन वहाँ पे हमने बनाए, कोई विकेट नहीं खोए थे। लेकिन वहाँ 12 से 16 ओवर के बीच में 34 रन श्रीलंका बनाती है, 2 विकेट हम 26 बनाते हैं, और आखिर के ओवर में अगर आप देखें श्रीलंका 42 रन बनाती है अंतिम के 4 ओवर में, और हम 38 रन बनाते हैं और 4 विकेट खो देते हैं। तो ये बड़ा फर्क है। अब इस आंकड़े को देखकर तो यही लग रहा है कि सिर्फ एक फेज ऐसा था 7 से 12 ओवर का जहां पे भारत थोड़ा चुनौती देता नजर आया, नहीं तो श्रीलंका ने ऑलमोस्ट डोमिनेट किया आपके अगेंस्ट। देखिए राजीव, यहाँ पे स्पष्ट है कि नए बॉल पे हम बहुत हल्के नजर आए हैं, और हमने कुछ दिन पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से शो किया था राजीव, जहाँ पे जब बुमराह इंजर्ड हुए थे बात हो रही थी बहुत सारी कि क्या होना चाहिए, और बहुत ऐसा भी ओपिनियन आए थे कि आवेश खान अच्छी परफॉर्मर्स हैं, दे हैव टू बी देयर, और हम सब ये भी बात कर रहे थे कि क्यों नहीं एक्सपीरियंस, क्योंकि जब बुमराह इंजर्ड हुए यू गॉट टू रोप इन मोहम्मद शमी, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपके नए बॉल के युवा गेंदबाज प्रतिभा शाली हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और यहां पे दिखा है, इट हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड नाउ एनीथिंग कि अर्शदीप और आवेश खान की अगर हम बात करें, इनके इनमें इनको आपको क्रिकेट इंडिया के लिए खिलाना चाहिए, लंबा खिलाना चाहिए, बहुत लंबा ये खेल भी सकते हैं, बट जब T20 वर्ल्ड कप सामने है, एशिया कप सामने है, आपके सामने प्रीमियर टूर्नामेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको इनको इंतजार भी करवाना कोई गलत बात नहीं होगी, आपको कहीं ना कहीं जगह बनानी होगी मोहम्मद शमी की, मोहम्मद सिराज के पास एक्सपीरियंस है, प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास है, आपके पास तमाम विकल्प है, लेकिन आप गए बिल्कुल रॉ बॉलर्स के साथ और आज आपको मुखी खानी पड़ी है। अर्शदीप सिंह नए बॉल से स्ट्रगल किया है, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन बहुत कुछ सीखना बाकी है, और उसके ऊपर राजीव जैसे कहते हैं ना, इट वाज नेल इन द कॉफिन, भुवनेश्वर कुमार जो आपके एक्सपीरियंस बॉलर थे वो बिल्कुल ऑफ कलर दिखे हैं, तो जी हां, वी हैव बीन अ कोलोसल फेलियर अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, और अब क्या होगा राजीव, अब मोहम्मद शमी को लेके आएंगे और कितने मैचेस रह गए, कुछ दिन वर्ल्ड कप से पहले, अब मोहम्मद शमी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आए और आग लगा दें, तो जी हां, अब जो सिचुएशन बन गई है अनफॉर्चुनेट हम तब भी विकेट नहीं ले पा रहे थे पहले 6 ओवर में, इसलिए हार रहे थे, अब लगातार हम 2 मैचेस में देख रहे हैं हम पहले पावर प्ले में हार जा रहे हैं, फिर आखिर के 3 या 4 ओवर में मैच हार जा रहे हैं। राजीव, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बड़े टूर्नामेंट में, चाहे वो ICC का विश्व कप हो या फिर एशिया कप है, ऐसा क्यों होता है कि हम लगातार इस प्रकार से मैच हार जाते हैं? इसका मतलब यही है कि दबाव में या फिर नॉकआउट इनकाउंटर्स में जिस प्रकार से भारत को खेलना चाहिए, जिस प्रकार के से खिलाड़ियों को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, वो हम कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो अनुभवी खिलाड़ी हों या फिर यंगस्टर्स क्यों ना हो, और यही परेशानी भारत के लिए हो रही है। इसका मतलब ये भी है कि जो सबक हमें सीखना चाहिए था पिछले एक साल में, वो हम लोगों ने उतना कुछ सीखा नहीं है, और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पहला मुकाबला जो एशिया कप में हुआ था वो हम लोगों ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक शानदार मैच जीता था, वहाँ पर हमारे पास एक शानदार कॉम्पोजिशन था टीम का, जहाँ पर जडेजा नंबर 7 पर आ रहे थे बल्लेबाजी करने के लिए या फिर एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे थे, एक खिलाड़ी इंजर्ड होता है, आपने पूरी टीम को बदल दिया, आपने 3-3 चेंजेस कर दिए जिसकी कोई आवश्यकता थी नहीं, अक्षर पटेल क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं खेल सकते हैं जडेजा की जगह पर, वो नंबर 7 पर आकर क्यों नहीं बैटिंग कर सकते हैं, इस प्रकार के कई सारे सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। और फिर से अगर जो जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात की थी कि जब एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है, आपके पास मौका है कि आप एक और एक्स्ट्रा सीमर को अपने टीम में रख लें, तब भी आपने वो किया नहीं, दीपक चाहर को आप क्यों नहीं लेकर आए, अगर आप दीपक चाहर को लेकर आते तो हो सकता है कि उनको आज आप खिला सकते थे 11 में। इस तरह की गलतियाँ चाहे वो चयनकर्ता कर रहे हैं या फिर टीम मैनेजमेंट कर रहा है, इसका इसी वजह से ये खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। पर अंत में फिर से वही सवाल उठ रहा है कि बड़े मैचेस में, बड़े मुकाबले में, नॉकआउट इनकाउंटर्स में हम लोग का प्रदर्शन इस तरह से क्यों होता है, यहाँ से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, नहीं तो मुझे लगता है। और ये सवा भाई कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, मुझे लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे देख पाए कि जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो 110 रन पे वो आउट हुए, और उसके बाद अगले 8 ओवर में हमने सिर्फ 63 रन बनाए और हमारे सारी बल्लेबाजी ढह गई, 5 विकेट हमारे चले गए।
ये क्या एक बड़ा सेटबैक था और ये पैटर्न है, ये पाकिस्तान के खिलाफ भी यही पैटर्न था, श्रीलंका के खिलाफ भी यही पैटर्न नजर आया। इसका मतलब ये भी है कि मध्य क्रम पर जिस पर हम लोग, हमें लग रहा था कि इस प्रकार के मैचेस रन बनाएंगे वो हो नहीं पा रहा है, उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। आज तो खैर अलग बात है कि कम से कम रोहित शर्मा ने शानदार 72 रन बनाए, पर पहले दो विकेट गिरने के बाद भारत ने शानदार रिकवरी कर ली थी सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के साझेदारी की वजह से, पर उसके बाद लगातार विकेट गिरे और अंतिम के चार ओवर में अगर आप सिर्फ 38 रन बनाएंगे और चार विकेट आप गंवा देंगे, जबकि उस समय आपके पास विश्व के दो पावरफुल हिटर्स हैं ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, ये दोनों रहने के बावजूद अगर आप सिर्फ 38 रन बनाएंगे तो फिर वहां से वापसी करना या फिर मैच जीतना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, जो कि आज हमें देखने को मिला। चलिए राजकुमार सर और रितेंद्र भी हमारे साथ हैं। राजकुमार सर, ये टूर्नामेंट एक आई ओपनर तो है, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लेकिन अंत में यही नजर आ रहा है कि जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो आपके एक्सपीरियंस बैट्समैन ही काम आते हैं। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ आपको उभारा था लेकिन आप मैच हार गए, यहाँ पे रोहित शर्मा चले बाकी नहीं चले। एक बात तो अब क्लियर हो गई है कि विराट को बाहर कर दीजिए, रोहित को बाहर कर दीजिए, एक्चुअली मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के लिए हमारे यंगस्टर तैयार नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए हम तैयार नहीं है, मानना पड़ेगा। आप सिर्फ बल्लेबाजी की क्यों बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बल्लेबाज तो फिर भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, व्हाट अबाउट आवर बॉलिंग? वहां पर सबसे बड़ी चिंता है राजीव कि हमारे पास कौन ऐसे गेंदबाज हैं जो डिफेंड कर पाए। 180 रन बुरा स्कोर नहीं होता T20 क्रिकेट में, एक बहुत रेस्पेक्टेबल स्कोर होता है कि जो एक डिसेंट टीम उसको डिफेंड करती है, लेकिन हमारे पास वो आर्सेनल नहीं है बॉलिंग में कि हम डिफेंड कर पाए 180 या 175 रन। अगर हम श्रीलंका के अगेंस्ट 175 रन या पाकिस्तान के अगेंस्ट 184 रन नहीं डिफेंड कर सकते तो कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर गेंदबाजी में नजर आ रही है। बल्लेबाज कुल मिलाकर किसी भी तरह भले वो लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रहा हो या अपर ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना है और एक रीजनेबल और डिसेंट स्कोर बना रहे हैं। कमी यहाँ पर गेंदबाजी में नजर आ रही है कि हम वो स्कोर डिफेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं है। राजकुमार बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है, रितेंद्र इतफाक रख रहे हैं हम कि विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है हमारे पास और हमें दोबारा से स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा वर्ल्ड कप के ठीक पहले कि वो गेंदबाजों का पूल फिर से आप देखें, क्योंकि ये तो आई ओपनर हो गया है एशिया कप एक तरह से, खासतौर से हमारे गेंदबाजों को लेकर। राजीव देखिए प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड कप से पहले समय कितना रह गया है। आप जिनको सर्टेनिटी मान रहे थे एशिया कप में कि वो वर्ल्ड कप जाएंगे, देखिए मैं आपको गिनाता हूं, केएल राहुल इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, सर्टेनिटी है या नहीं पता नहीं। ऋषभ पंत सर्टेनिटी T20 वर्ल्ड कप के लिए है या नहीं पता नहीं। दिनेश कार्तिक खेले नहीं खेले पता नहीं, सर्टेनिटी है या नहीं। बोलिंग में बात करें भुवनेश्वर कुमार पे बड़ा सवाल अब आता है, उनकी डेथ बोलिंग हैज बीन स्ट्रगलिंग। और अगर बात करें अर्शदीप सिंह अगेन स्ट्रगलिंग, आवेश खान अगेन स्ट्रगलिंग। अगर स्पिनर्स की बात करें सिर्फ चहल एक है जो लग रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए आराम से सिलेक्ट होते हैं। तो अब आपका क्रम जो है राजीव हम कहां खड़े हैं, एक साल से हम कह रहे हैं हम उनका तैयारी कर रहे हैं, कमाल की हुई है हमने, लेकिन अब बताइए मुझे कि एशिया कप में अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को नहीं हराता है वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट वी हैव गेन्ड आफ्टर वर्किंग सो हार्ड इन लास्ट वन ईयर। सो डेफिनेटली इट इज समथिंग टू बी वरी ऑफ। बिल्कुल, और सभा भाई ऐसा लग रहा है कि अगर आप चार जो सुपर फोर के लिए जो टीमें क्वालिफाई की हैं उसमें हम शायद चौथे, कुछ कहना चाह रहे हैं राजकुमार सर? जी जी प्रोग्राम से यही कह रहा था कि जो हम टेम्पलेट की बात कर रहे हैं कि हम इतना एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा तब भी यही मानना था कि जब टफ मैचेस आएंगे क्या हम उस टेम्पलेट को उसी टेम्पलेट पर खेलेंगे, और आज हम वहीं पर जाकर एक्सपोज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपना स्ट्रेंथ देखने की जरूरत थी, हमें अपनी स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत थी जहां पर आज हम लैक कर रहे हैं। तो हम एक ऐसे टेम्पलेट के साथ खेलना चाह रहे थे कि एज इफ वी आर वर्ल्ड विनर्स एंड हम लोग तो जाकर जब भी जाएंगे बल्लेबाजी करने जाएंगे हम 200 या 220 बनाएंगे और दूसरी टीम को हम 150 पे आउट कर देंगे। लेकिन आज हमें एक्चुअल रियलिटी पता लगी है जब हमारे सामने टफ अपोजिशन आए हैं। मेरा तब भी मैं यही कह रहा था कि जब हम टफ अपोजिशन के सामने खेलेंगे तब हमें एक्चुअल पिक्चर पता लगेगी कि तब हमें अपना टेम्पलेट सेट करना होगा। सभा से मैं यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि क्योंकि सभा बहुत ज्यादा
वो इस मामले में वो राजकुमार, अगर हम एग्रेसिव माइंडसेट के साथ रोहित शर्मा बल्लेबाजी नहीं करता तो हम 173 भी नहीं बनाते, फिर हम 150 पे ऑल आउट हो जाते। परेशानी इस बात की है, मैंने टेम्पलेट T20 खेल रहे हैं राजकुमार, टेम्पलेट टेम्पलेट की वजह से 184 और 173 बन रहा है। आप खुद ही कह रहे हैं गेंदबाजों की वजह से मैच हार रहे हैं। हम ये मैच इस वजह से हार रहे हैं कि हमने सही कॉम्बिनेशन खेला नहीं है, जहां पर हमें 5 बॉलर और हार्दिक पांड्या एक 6 बॉलर के रूप में खिलाना चाहिए था, जिस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ हम पूरे पिछले 1 साल से खेलते आ रहे हैं, जहां पर हमें सफलता मिली है, उस पक से हम हटकर हम 11 खिला रहे हैं। इसी वजह से आपने इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया जिसकी जरूरत थी नहीं। सभा, आपको लगता है कि इस बॉलिंग से हम 225 भी डिफेंड कर पाएंगे? इसी को मैं कह रहा हूँ कि आपको एक और एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहिए था राजकुमार। यही तो मैं कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन आपने गलत खिलाया है राजकुमार। टेम्पलेट तो गेंदबाजी में खराब हो रहा है ना, बल्लेबाजी में तो रन बन रहा है। आपने गलत कॉम्बिनेशन खिलाया है, जहाँ पर आपको 6 बॉलर होना चाहिए था, हार्दिक पांड्या 6 बॉलर, वो आपने गलती कर दी सबसे बड़ी। अगर आप टेम्पलेट की बात कर रहे हैं ना, फिर बहुत जल्दी T20 रैंकिंग में हम सबसे पीछे हो जाएंगे, जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं आज। श्रीलंका कैसे जीता बताइए मुझे, श्रीलंका क्या, श्रीलंका अगर अगर पहले 10 ओवर में 90 रन नहीं बनाता क्या वो मैच जीत पाता था? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं आपको कह रहा हूँ कि खाली और ये कौन सा अटैक है श्रीलंका का? श्रीलंका का कौन सा बड़ा अटैक था? नहीं जा सकते कि हम श्रीलंका का कौन सा बड़ा अटैक था मुझे बताइए। हसरंगा के सामने, हसरंगा सबसे इफेक्टिव बॉलर है, उनके सामने हमने कितनी शानदार बल्लेबाजी की, क्योंकि अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप बैटिंग करें तभी आप रन बनाएंगे। बहुत ज्यादा सोच की जरूरत है। यहाँ जो टेम्पलेट गड़बड़ हुआ वो गेंदबाजी में हुआ, बल्लेबाजी में हम 184 और 173 बना के अगर मैच हार रहे हैं तो फिर गलती है 11 खिलाने में गलती है, और गेंदबाजों पे जिन पे आप भरोसा दिखा रहे हैं शायद वो गलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका भी, और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई तरह के सवाल इस समय भारतीय टीम पर खड़े हो रहे हैं, टीम मैनेजमेंट पे खड़े हो रहे हैं, और सिलेक्शन पॉलिसी पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब आप सही टीम चुनकर नहीं देंगे और फिर सही टीम चुनकर नहीं खिलाई जाएगी मैदान के अंदर, यानी कि प्लेइंग 11 अगर आप सही नहीं खिलाएंगे तो फिर हश्र ऐसे ही होगा, यानी कि प्रदर्शन बेकार और लगातार दूसरी हार। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।